दुनिया पे आने के लिए. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमांडो का सेकंड पार्ट है और सीक्वल इसलिए है क्योंकि अब कमांडो और बेहतरीन काम करेंगे, आपको बेहतरीन एक्शन देखिएगा, स्टोरी लाइन और बेटर हुई है. हम लोग बहुत पैसा खर्च रहे हैं इस बार क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास है इसमें. अभी आप सब कुछ बेटर और बड़ा ही देखेंगे. ज़रूर हर एक्टर को एक फिल्म की ज़रूरत होती है जहाँ से उसको पहचान मिले. तो मुझे विपुल शाह के द्वारा पहले फोर्स मिली थी, उसके बाद कमांडो मिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि कमांडो से मुझे बहुत पहचानते हैं लोग. अच्छी फीलिंग आती है जब आप कहीं भी जाते हैं, काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं. इनफैक्ट मैं कई लड़कों से मिला हूँ जो फौज में इसलिए भर्ती हुए हैं क्योंकि उन्होंने कमांडो देखी थी और वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे कि इस तरह की उनको रेजिमेंटल लाइफ जीनी पड़ती है. तो अच्छा लगता है. सो जो इस समय हम लोग सीन शूट कर रहे हैं वो कमांडो को जो जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जो हाई टेक हैं, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारी सेना को सिर्फ मिडिल क्लास गन्स दी जाती हैं, मगर जैसे जैसे बड़े मिशन पे भेजा जाता है तो और बेहतरीन सामान दिया जाता है. तो उस सीन की इंट्रोडक्शन है जहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे कमांडो को और बेहतरीन ट्रेनिंग और बेहतरीन औजार दिए जा रहे हैं. यार कभी भैया सवाल है क्योंकि पता नहीं होता कि किसको क्या रिस्पांस मिलेगा. इस साल वैसे दो नहीं आ रही और बहुत सारी एक्शन मूवीज आ रही हैं और सबको अलग अलग रिस्पांस मिलेगा. डिपेंड करता है किस तरह से शूट की जाएगी, कौन एक्टर है, तो हर चीज़ का रिस्पॉन्स अलग ही होगा. यार मुझे रिग्रेट प्रेम रतन धन पायो ना करने का कोई नहीं है, बट सलमान खान से काम करने का बहुत मन था और मैं करता अगर उस समय मैं कमांडो के लिए तैयारी नहीं कर रहा होता. यार मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे जाट भाई हैं इनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम लोगों को अपने इमोशन से ज़्यादा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए और कई बार हम लोगों को भड़काया भी जाता है. तो मुझे लगता है कि अपने मन के साथ अपने थोड़ा दिमाग को भी इस्तेमाल करना चाहिए और देश हमारा एक ही है तो मिलजुल के रहना चाहिए. I'm doing all kind of cinema. I've just done a movie called Yara, which is with Himanshu Dhulia, which is a romantic drama movie. So I'm doing everything. हाँ मैं पक्का करूँगा, मैं हर तरह का रोल करूँगा. अगर उसमें एक्शन होगा तो उसको ज़्यादा मन से करूँगा. बट अच्छा लगता है, आपको किसी भी तरह के रोल में एक्सेप्ट किया जाता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे तो मैंने बचपन से आर्मी की लाइफ बहुत देखी है. तो उनकी तमन्ना थी कि मैं आर्मी में जाऊं. मैं मेरे ख्याल से मेरे दादा मेरे हर फैमिली मेम्बर आर्मी में थे तो मैं नहीं गया. बट जब मुझे कमांडो मैंने साइन की तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए थे कि मैं कमांडो बन गया हूँ. थैंक यू सर. क्या सवाल है? ओके थैंक यू सर. भाई उठना मत. देवन जी को पूछ रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, बताए पूछ. अच्छा कमांडो एक स्पेशल स्टाइल की एक्शन फिल्म बनाई गई थी यही सोच के कि एक्शन को बिल्कुल यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए. जाहिर सी बात है कि उस एक्शन का जो स्कोप है उसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं
और बेहतर बनाना चाहते हैं और बड़ा बनाना चाहते हैं। हाँ उसके हाथ में दोनों ही चीज़ें होती हैं। जब आपकी एक फिल्म सक्सेसफुल होती है तो जाहिर सी बात है कि आप उसे पार्ट टू पार्ट थ्री बनाना चाहते हैं और कंटेंट भी आप बेहतर और नया बनाना चाहते हैं, तो दोनों ही चीज़ें कांदे। सीक्वल जो होता है वो हमेशा उसी हीरो के साथ बनता है, तो विद्युत जाहिर सी बात है कि कमांडो विद्युत के बिना बन ही नहीं सकती। और विद्युत ने इतना ज़बरदस्त काम किया था कमांडो में कि एक ज़बरदस्त फिल्म बन पाई, अपने आप में एक बहुत बढ़िया फिल्म थी और वो जंगल एक्शन काइंड ऑफ सुपर फिल्म थी। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा उसी को एक हायर नॉट पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अब्रॉड लोकेल्स होंगे और ज़्यादा स्टाइलाइज वे ऑफ ट्रीटमेंट होगा, ज़्यादा ग्लैमर एंड कूल पोशन ज़्यादा होगा। नहीं, विद्युत का अपना एक स्टाइल है और उसी स्टाइल के को ध्यान में रखते हुए एक्शन डिज़ाइन किया जाएगा, जो कि विद्युत का अपना स्टाइल है, जो मुझे लगता है कई हॉलीवुड फिल्मों से भी बेहतर है। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। और पर मुझे नहीं पता जाट समुदाय की भी कोई वजह होगी कि उन्होंने इतनी बड़ी मांग रखी है, तो जिस तरीके से माहौल हरियाणा में बन रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ये प्रेयर कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हिंसा ना करें, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। यह ये पहली कोशिश है एंड आई एम ग्लैड कि विपुल ने मुझे इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए चूज़ किया है। हम लोगों ने पहले भी कई अच्छे अच्छे काम किए हैं और आई थिंक हमारी बॉन्डिंग दो भाई से भी बढ़कर है और ही नोज़ माई कैपेबिलिटीज़ इवन मोर देन मी एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू डू दिस फिल्म। और मुझे लगता है ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट होगी और ये मेरी शुरुआत होगी फिल्म इंडस्ट्री में। खैर, मैं और देवेन, जैसा देवेन ने कहा कि हम तो भाई जैसे हैं, भाइयों से ज़्यादा हम कॉलेज से दोस्त हैं और हमारी दोस्ती, और मैं देवेन को जितना अच्छी तरह जानता हूँ, लोगों ने सिर्फ उनका एक कॉमिक एक्टर का एक अंदाज देखा है, उससे ज़्यादा देवेन क्या कर सकते हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब ये फिल्म हमने बनाने का फैसला किया था तभी से देवेन हमारी फर्स्ट चॉइस है, और काफ़ी लोगों को ताज्जुब भी हो रहा है कि देवेन तो कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं तो फिर ये एक्शन फिल्म क्यों। मैं जानता हूँ क्यों, और मुझे विश्वास है कि जब लोग फिल्म देखेंगे तो उन्हें भी भरोसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही फैसला था। देवेन में बहुत खूबियाँ हैं और ये एक पहलू है उनकी कॉमेडी परफॉर्मेंस के अलावा जो इस फिल्म से हम लोगों को दिखाएं। कई सालों पहले एक सीरियल आया करता था एक महलों सपनों का, जो विपुल प्रोड्यूस करते थे, तो उसमें जो डायरेक्टर थे उनको कुछ इमरजेंसी के लिए जाना पड़ा, तो विपुल ने मुझसे पूछा, उसमें मैं रोल कर रहा था, कि तू डायरेक्ट करेगा। विपुल न्यू कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुका था मंसूर खान जी के साथ, तो मैंने कहा हाँ चलो लेट्स ट्राई इट आउट, और वो अच्छा निकल आया, फिर तो सीरियलों डायरेक्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ। सो मेरा जो पहला सीरियल था एक मालो सपनों का एज ए डायरेक्टर, वो भी विपुल ने ही दिया था, एंड दिस विल बी माय फर्स्ट फिल्म अंडर विपुल। लाइफ इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ एंड आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस एंड फेस चैलेंजेस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द जॉनर दैट आई हैव नॉट ट्राइड मच अर्लियर। हाँ, इससे पहले पिछले साल हमने एक साथ में सीरियल किया था पुकार, जो एक मिनी सीरीज़ था, वो एक्शन ड्रामा था और वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ, तो वो एक रिहर्सल थी काइंड ऑफ मेरे लिए,
और बस वहीं से एक्शन का एक कीड़ा लग गया जो विपुल ने देखा मुझ पर और उनको शायद मेरी खूबियाँ नज़र आई और उन्होंने मुझे अप्रूव किया। विद्युत के साथ काम करते हुए मुझे ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है बिकॉज आई बिलीव ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्शन हीरो दैट वी हैव एंड इवन ओवरऑल ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन एंड अ नाइस एक्टर और अफकोर्स उम्मीदें तो बढ़ती है और विद्युत के बाद और विद्युत के साथ आगे विद्युत के साथ भी मैं करना चाहूँगा और दूसरे भी लिस्ट तो अनगिनत है तो जी बिल्कुल मेरा भी ए टू जेड सारे लोगों के साथ काम करने की इच्छा रहेगी। सॉरी विलन के रूप में कोई नया सरप्राइजिंग कैरेक्टर आएगा? विलन के रूप में एक आई वुड नॉट से लाइक मच अबाउट इट क्योंकि फिर शायद आपका मजाक किरकिरा हो जाएगा पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन रहे हैं जिसमें कुछ ग्रे कैरेक्टर्स हैं कुछ ब्लैक हैं कुछ नेगेटिव फुल नेगेटिव हैं और कुछ वाइट हैं सो वेरियस काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड विलन का जो कैरेक्टर है तो वो भी उसके भी कई लेयर्स हैं जो देखने का ऑडियंस को बड़ा मज़ा आया। Honestly speaking, I'm very bad to comment on something like this because I'm not too. Hi. Hopefully by the end of the year, ये फिल्म हम release करेंगे। इसी साल में करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ और वर्सेटाइल डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑफकोर्स मैंने एक स्कूल एक फिल्म मेकिंग स्कूल ज्वाइन किया था तभी मुझे लगा कि पता नहीं विच पर्टिकुलर जॉनर विल आई लाइक और विल आई नॉट लाइक बट आई थिंक द सब्जेक्ट और द स्टोरी ओवरऑल जो एक प्रोजेक्ट होता है वो अगर अपील करता है तो फिर वो जॉनर मैटर नहीं करता मेरे लिए अगर वो अपीलिंग लगा तो फिर मैं उसमें कूद पड़ता हूँ। Thank you. Thank you so much. Thank you.